हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नॉलेज ऑल अबाउट के इस वीडियो में। मैं हूं श्रवण पटवा। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स अप्रेंटिस के ऑल इंडिया 410 पद। सभी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, और वो भी आप मोबाइल के माध्यम से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसका ऑफिशियल सिलेबस डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23 तारीख को, जिसमें आप देख सकते हैं कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से इसमें तीन जो है ग्रुप डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है। ग्रुप ए वाले भाग में जो है फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चर फिटर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष, साथ ही जो स्टाइपेंड दे होगा उसका भी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है और आयु सीमा भी दिया हुआ है। उसी प्रकार ग्रुप बी में जो है आईटीआई पास आउट वालों के लिए, ग्रुप ए जो है वो 10वीं पास आउट वालों के लिए है, ग्रुप बी जो है वो आईटीआई पास आउट के लिए है। इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस स्टेट के लिए निकला हुआ है, साथ ही इसका स्टाइपेंड क्या होगा, एज कितने से कितने वर्ष वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही ग्रुप सी जो है इसमें 8वीं पास जो है उन लोगों के लिए है। इसमें भी प्रशिक्षण अवधि दिया हुआ है, स्टाइपेंड कितना दे होगा, साथ ही कितने उम्र से कितने उम्र तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है शैक्षिक पात्रता का विवरण इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख पाएंगे। मैं यहां पे शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक नहीं देखते हैं। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इसमें चयन प्रक्रिया भी दिया हुआ है, इसमें ग्रुप ए बी और सी जो है इसका यहाँ पे दिया हुआ है प्रारूप, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ मैं सभी चीजों का यदि डिस्कशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उस प्रकार आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ मैं इसमें। और इसमें अप्लाई भी कैसे करना है शुरू से अंत तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कोई भी जानकारी। इस प्रकार आपको मैं दिखाने वाला हूं चयन प्रक्रिया। ये देखिए, यहाँ पे चयन प्रक्रिया अप्रेंटिस के लिए प्रशिक्षु को चयन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण जो है ऑनलाइन परीक्षा होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ग की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मापदंड जो कि वर्ग ए बी सी जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है मापदंड, उसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही इसका सिलेबस क्या होगा, आप लोग का जो सीबीटी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग का एग्जाम होगा, और एग्जाम में जिस हिसाब से आपका मार्क्स आएगा उस हिसाब से जो है आप लोग का चयन की प्राथमिकता बनेगी। इसमें ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र 4 जगह दिया हुआ है। साथ ही जो दूसरा चरण है चिकित्सा परीक्षा एवं दस्तावेज जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी चीज सही पाए जाने के बाद जो है आपका चयन तृतीय चरण के लिए होगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही इसका जो आवेदन
शुल्क जो है इस प्रकार है, आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है, जनरल ओबीसी एसईबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एएफसी वालों के लिए, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, उन लोगों का निशुल्क है। साथ ही यहाँ पे 7वें नंबर पे अतिरिक्त जानकारी दिया हुआ है, इसको आप लोग सारे जानकारी को भली भांति जो है इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही इसमें जो दिनांक दिया हुआ है आवेदन करने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत होता है तो यहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है, सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण दिनांक जो है दिया हुआ है ऑनलाइन जो है 23 तारीख से शुरू है, लास्ट डेट 11 जनवरी 2021 है। साथ ही इसका जो डेट जो कंडक्ट किया गया है एग्जाम के लिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ को अच्छे से देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। तो इस प्रकार मैं आवेदन किस प्रकार करना है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अप्लाई करने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग आसानी से जो है एक्सेस कर पाएंगे। इस तरह जब जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है डालना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्राइमरी ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो यस या नो पे क्लिक करना है। इसमें वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जो आपका वर्तमान समय में चालू हालत में हो। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको रजिस्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन लिंक इंस्टेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। आपका जो ईमेल आईडी जो दिए हैं उस पे एक मेल गया होता है, उसमें आपको वैलिडेशन करना होता है। इस प्रकार आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया होता है, उसमें आपको प्लीज क्लिक हेयर टू वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड शो करेगा। इसको आप नोट करके रख लें। नोट करने के बाद प्लीज क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ए जॉब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले इंटरफेस पे यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यूजर नेम और नाम आपका शो करेगा, योर सेशन एक्सपायर भी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई देगा, ग्रुप CBA, इसमें आपको जिस ग्रुप के लिए अप्लाई करना है इस पे आपको क्लिक करना होता है। इसमें रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू एलिजिबल क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे, उसके बाद अप्लाई जॉब पे क्लिक करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक मैसेज शो करेगा, उस पे आपको आई हैव पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आपका जो है 5 चरणों में यह कंप्लीट होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, पेरेंट इन्फो, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड कितना दे होगा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है टू अप्लाई, क्या आप किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, नो या यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से शो करेगा, उसको आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम और जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर पहले से ही सिलेक्टेड है यहाँ पे, फादर्स नेम
फादर्स नेम एंटर करने के बाद आपको जो है मेरिटल स्टेटस यस नो पे डोमिसाइल जो है जहाँ के आप निवासी हैं वो सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर यहाँ पे 400 करेगा, इसमें से आपको कहाँ के लिए चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपका क्या है, कैटेगरी आपका कौन सा है, वह आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी आपको शो कर देगा, यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं। एग्जाम फीस भी यहाँ पे शो कर देगा, एग्जाम फीस इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सबका। यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन दिया हुआ है, इसको आपको फिलअप करना है आधार कार्ड के आधार पे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन वाला भाग यहाँ पे आएगा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। इस प्रकार आप लोग यहाँ पे केयरफुली भर लें, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोर्स आप टाइप ऑफ कोर्स में फुल टाइम किए हैं या पार्ट टाइम किए हैं इसका आप लोग सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे एडिशनल एडुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, साथ ही इसमें भी दिया हुआ है, नहीं इसमें एडुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है। आईटीआई जो कंपलसरी है उसमें जो है फुल टाइम ही होता है। इसमें जो है आपका क्लास डिवीजन कौन सा है, पास आउट फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं यस या नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रेड आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है। एडिशनल एडुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ है तो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं, अन्यथा आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा, वेयर योर पेरेंट्स एम्प्लॉयड मचोग डॉग। क्या आपके कोई पेरेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, यस या नो पे क्लिक करना है। यदि यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स देना होगा, तो नो पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर, मैक्सिमम जो साइज है 700 KB का होना चाहिए और JPG यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर सिलेक्शन करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको एडुकेशन डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है, साथ ही यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और फर्स्ट अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट में 10th का भी आप लोग कर सकते हैं, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के साथ बोला गया है, तो 10th का आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के अंदर यदि कोई एक्स्ट्रा है तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। जैसे एडुकेशन क्वालिफिकेशन में एक्स्ट्रा था तो उसको कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये सब कंपलसरी है, जिसमें स्टार लगा हुआ मैंडेट है उसको आपको अपलोड करना ही होता है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट पे दिया हुआ है अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट ओनली, PDF में आपको बना के अपलोड करना है। मैंने एक PDF कैसे बनाना है और फोटो को रिसाइज कैसे करना है उसका एक वीडियो बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से आसानी से PDF बना पाएंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल में करके भी। साथ ही यहाँ पे यदि सभी चीज सही है तो आप लोग यहाँ पे
सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा कोई लगता है कि कोई त्रुटि है तो उसमें एडिट बटन पर क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट ऑप्शन आएगा, लास्ट लास्ट का पे नाउ पेमेंट मोड, तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, बहुत सारा यहाँ पे पेमेंट मोड दिया हुआ है, उसमें आप चयन करके कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सबसे आसान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से होता है, तो इसमें आप सेव कार्ड फॉर फ्यूचर यूज इसको चेकबॉक्स को अनेबल कर दें, और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड, बैंक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद आपका जो है पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो सक्सेसफुल होने के बाद आप जो है इसका हार्ड कॉपी जो है, सॉरी सॉफ्ट कॉपी जो है, अपने पास सुरक्षित सेव करके रख लें। और साथ ही यहाँ पे जो फॉर्म भरते समय आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किए हैं, उसको नियमित आप लोग चेक करते रहे। इसके भर्ती से संबंधित सभी तरह के जानकारी जो है आपको ईमेल और मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से मिलती रही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करें, मैं आपका हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जो लोग इस फॉर्म को मोबाइल के माध्यम से भरना चाहते हैं, वे लोग अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में जो तीन डॉट बटन दिखाई देता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ब्राउजर का जो है इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद आपका जो पेज जिस प्रकार आप अभी देखे, उसी प्रकार जो है आपका मोबाइल में भी पेज ओपन होगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।